हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करें जो यूनिस का न्यू लॉन्च बैडमिंटन है हर्टिक 35 बाई, उसी रैकेट में बात करेंगे किस टाइप का प्लेयर के लेना चाहिए, किस टाइप का बैडमिंटन है, किस टाइप का प्राइस में मिल जाएगा, उसी सभी डिटेल्स में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। जो कि कवर आता है हर्टिक सिंह में ऐसे नॉर्मली कवर देखने को मिल जाता है, तो निकलते बाहर। कलर में देखने को मिल जाता है, क्योंकि पहले वोल्टिक 25, 20i ये सब पूरा अलग कॉम्बिनेशन कलर, पूरा इतना कलर लाइट कलर कर दिए अलग से, जो कि अच्छा है। पूरा लेवेंडर कलर में देखने को, ऊपर नया तरह का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ ब्लैक व्हाइट कॉम्बिनेशन में यूनिक्स का लोगो और यूनिक्स देखने को मिल, और नीचे की तरफ जैसे आपका 30 LBS, ये तो अभी नेचुरल सभी रैकेट में, आईसीज में सभी रैकेट में आपका कोई भी आप R7 लीजिए, नैनो लीजिए, वोल्टिक लीजिए, एस्ट्रोक्स लीजिए, कोई भी रैकेट लीजिए, आईसीज में सभी में आप 30 LBS आप दे सकते हो मैक्सिमम लेते हैं। और फ्रेम के बारे में बात करें जो आइसोमेटिक में आता है, आइसोमेटिक के प्लस पॉइंट ये होता है बिगेस्ट स्विच पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि अभी जो फिलहाल हम हर समय बोलते रहते हैं मैक्सिमम रैकेट अभी जो आता है सभी में आपका आइसोमेटिक में ही आता है। कलर के बारे में बात करें तो पूरा आपका लेवेंडर में देखने को मिल जाता है, नीचे की तरफ आपका यूनिक्स लिखा और लोगो भी देखने को मिल जाते हैं, और इस तरफ का पूरा ब्लू, और इस तरफ ऊपर की तरफ आपको 30 LBS देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ आपका यूनिक्स का लोगो और यूनिक्स लिखा देखने को मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपका 30 LBS देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इस तरफ आपका लोगो यूनिक्स लिखा देखने को मिल जाएगा, और इस तरफ घुमाएंगे तो आपका 30 LBS देखने को मिल जाएगा। दोनों ऊपर और नीचे थोड़ा घुमा दिया, और इस तरफ का पूरा ब्लू में देखने को मिल जाता है, मतलब लेवेंडर टाइप का देखने को मिल जाता है, दूसरी तरफ का पूरा लाइट ब्लू लेवेंडर कलर का देखने को मिल जाएगा। अगर टी जॉइंट के बारे में बात करें तो ये आपका सिंगल पीस टी जॉइंट जॉइनलेस बैडमिंटन रैकेट है, ये तो आपका साथ में आपका वोल्टिक लाइट 35 देखने को मिल जाता है, लेकिन व्हाइट वोल्टिकल लाइट आपका व्हाइट तीनों आपका अलग अलग कलर में लिखा है। तो लेटेस्ट जो पहले जो और एक वोल्टिक में आता है वोल्टिक 40, उसमें भी दो अलग कलर था, एक अलग है, मतलब उसमें सिर्फ मेरे हिसाब से वोल्टिक लाइट आपका ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है, आपको लाइट यहाँ देखने को मिल जाता है, दोनों एक ही कलर में देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको तीनों आपका अलग अलग कलर में, इसमें आपका व्हाइट कलर में वोल्टिक लिखा देखने को मिल जाता है, दूसरा आपका लाइट आपको सिर्फ ब्लैक में दिखता है, और गोल्डन कलर में थर्ड जैकेट का मॉडल फ्रेम में साथ में आपको देखने को मिल जाता है वोल्टिक लाइट 35 बाई, और साथ के इस तरफ घुमाएंगे तो ये आपका हेडी भी बैलेंस 10 मिल जाता है, जो कि ये रैकेट हेडी भी बैलेंस हेड पर सिप पॉइंट, ये रैकेट इसलिए हेडी भी होता है, एक इवेंट बैलेंस होता है, एक हेडलाइट होता है, तीनों अलग अलग बैलेंस पॉइंट में होता है। जैसे ये आपका हेडी भी, तो इसका मैक्सिमम वेट इसका हेड पर सिप को है, और इसमें 10 हेडी भी बैलेंस के पास में आपका 10 ml लॉन्ग का देखने को मिल जाता है, जो कि रैकेट का ग्रिप साइज 10 ml लॉन्ग कंपेयर टू अदर हैंडल से ये थोड़ा आपका बड़ा देखने को मिल जाता है। और नीचे तरफ आएगा डेवलप बाई यूनिक्स जफन देखने को मिल जाता है, यूनिक्स सभी रैकेट आपका डेवलप बाई यूनिक्स जफन ही करता है, तो फिर जफन ही देखने को मिल जाता है, और इसका मेड इन चाइना, जो कि इस तरफ आपको मेड इन चाइना देखने को मिल जाता है, ये रैकेट आईसीज में, ये रैकेट आपको मेड इन चाइना में आता है, थोड़ा नीचे और मीडियम से थोड़ा ऊपर, ये बीच कैटेगरी में आता है, आप मीडियम फ्लेक्सिबल बोल सकते हो। आपको फुल कार्बन ग्रेफाइट लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और ये रैकेट बनाने के लिए फुल कार्बन ग्रेफाइट मटेरियल यूज़ किया गया है। और नीचे की तरफ कैप की तरफ आएंगे तो कैप में आपका यूनिस का छोटा करके लोगो और यूनिस लिखा देखने को मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको दूसरी तरफ भी सेम आपका यूनिस का छोटा लोगो और यूनिस देखने को मिल जाता है, इस तरफ आपको यूनिस का कोड देखने, और नीचे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन में देखने को मिल जाता है, ऊपर की तरफ यूनिस का लोगो भी देखने को मिल जाता है, जो कि यूनिस का होलोग्राम भी देखने को मिल जाता है स्टिकर के साथ। और ये रैकेट 5U रैकेट आता है, जो रैकेट का वेट होता है 5U 77 से 77 से लेकर 70 तक इसका वेट है। और
नीचे की तरफ होगा जी फोर, ये रैकेट जी फोर जो कि हाथ में लेंगे तो फिर आपको थोड़ा पतला आपको फील होगा कम्पेयर टू अदर हैंड से, ये थोड़ा आपको पतला कफ। और इस तरफ आपका 20 से 30 एलवीएस, ये रैकेट मैक्सिमम एलवीएस 20 से लेकर आप 30 तक एलवीएस दे सकते हो, जो कि जितने भी आई सीज रैकेट है सभी में आप 30 एलवीएस मैक्सिमम दे सकते हो। एमआरपी के बारे में बात करो तो ये आपका 3390 एमआरपी देखने को मिल जाता है, और डिस्काउंट करने के बाद ये आपका 1700 से लेकर 1900 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसे बैडमिंटन रिलेटेड वीडियो हम लोग आते रहते हैं, हर टाइम हमको ऑफर प्राइस में देते रहते हैं। अगर वीडियो बैडमिंटन रिलेटेड में कोई भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर कोई भी इंक्वायरी है तो दिया फोन नंबर में ज़रूर कॉल कीजिए। आज के वीडियो खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, आगे कोई भी नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।